आइए मैं आपको आस्था अस्पताल के नवजात शिशु गहन कक्ष में शिशु के इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध है, किन किन शिशु का इलाज किया जाता है, शिशु के इलाज के समय और उनके पेरेंट्स के प्रति हमारी क्या सोच रहती है और हम किस किस पद्धति से ऐसे में शिशु का इलाज करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इस आस्था अस्पताल में जो है यूनाइक्सी की शुरुआत हमने 2002 में की थी, बहुत एक छोटे स्तर से की थी, जिसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि गंभीर नवजात शिशु एवं कम वजन के शिशु का इलाज करना, उन्हें नई जिंदगी देना और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि शिशु बड़ा होकर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, उसमें किसी प्रकार की विकलांगता ना हो। पिछले जो है 20 सालों से हमारा लगातार यही प्रयास रहा कि हम अपने सर्विसेज को कैसे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने सर्विसेज को अफोर्डेबल बना सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी शिशु को ठीक कर सकते हैं, कैसे घर जाके जो है माँ का दूध पिए शिशु और भविष्य में उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस बात के लिए भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक हम सफल भी हो चुके हैं। इस नवजात शिशु गहन कक्ष में जो है सभी प्रकार के शिशु का, पूरे समय में जन्मे नवजात शिशु का कोई सांस की तकलीफ है, पीलिया है, झटके आ रहे हैं या कोई हार्ट की बीमारी है, या बहुत ही जो प्री मैच्योर शिशु रहते हैं बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिनका वजन बहुत ही कम है, या फिर शिशु को जो है पैदा होने के बाद जो है शिशु में अगर कोई जन्मजात व्यंगता है, उसमें कोई ऑपरेशन वाली समस्या है, खाने या सांस में जुड़ी हुई है, पेट का पर्दा है, ऐसे कोई पत्तियों की समस्या है जिनको ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है, ऐसे सभी प्रकार के शिशु का इस एनआईसीयू में इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। यह 15 बिस्तरों का सर्वसुजित लेवल 3 केयर का एनआईसीयू केयर है, यहाँ पर यह सभी प्रकार के शिशुओं का इलाज होता है। इस 15 बिस्तरों के एनआईसीयू को हमने डिफरेंट जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। इसमें जो पहला जो सेंटर वाला जो जोन है, जो 5, 6, 7, 8 जो जोन है, यहाँ पर हम बहुत ही जो प्री मैच्योर शिशु रहते हैं बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं, जैसे जिन शिशुओं को सांस की तकलीफ है या और उन्हें कोई तकलीफ है, उन शिशुओं का इस सेंटर जोन में इलाज किया जाता है। जैसे यह शिशु है, यह शिशु को जो है 27 हफ्ते में पैदा हुआ था, इस शिशु को सांस लेने में तकलीफ है, तो इसका जो है इसकी सांस की तकलीफ के लिए वेंटिलेटर वाला इलाज किया जा रहा था। जो बहुत ही गंभीर मरीज रहते हैं, जो बहुत ही गंभीर शिशु है, उनका इस एरिया में इलाज किया जाता है। अब उसके बाद का जो हमारा एरिया है, जैसे 9, 10, 11 नंबर का जो एरिया है, यहाँ पर हम ऐसे शिशु का इलाज करते हैं जो कि शिशु जो है पूरे समय पैदा हुआ है, जिनको जो है कम समय के लिए एनआईसीयू की ज़रूरत है। जनरली यहाँ के शिशु जो भर्ती होते हैं 5, 6, 7, 8 दिन में डिस्चार्ज जाते हैं। सेंटर के राइट साइड वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो जोन नंबर 1, 2, 3, 4 वाले जो बेड्स है, इसमें हम यहाँ ऐसे शिशु रखते हैं जो कि गंभीर अवस्था से निकल के बाहर आ जाते हैं और अब जो केवल बच्चे फीडिंग पर है, उनको किसी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनको केवल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, हम ऐसे शिशु को यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो एनआईसीयू का जो चौथा जो एरिया है वो है डिस्चार्ज जोन। यहाँ पर हम ऐसे शिशु रखते हैं जो बच्चे बिल्कुल फीडिंग पे, जिनका वेट गेन हो रहा है और जो डिस्चार्ज की कंडीशन में पहुँच गए हैं। नॉर्मली इस जोन में मदर भी आती है अंदर, मदर बच्चे को अपने को टच कर सकती, देख सकती, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती। हमारा जो आखिरी का जो पाँचवा जोन है, ये ब्रेस्ट फीडिंग जोन। इसमें यहाँ पर जो है हम यूजुअली जो है जिनके शिशु जो लंबे समय तक एनआईसीयू में भर्ती है, जिनके शिशु प्री मैच्योर है, उनकी मदर को यहाँ पर हम कॉल करते हैं। उनको कॉल करके, ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, इस ब्रेस्ट पंप के द्वारा जब मदर आती है, यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग आती है, तो हम उसका जो मिल्क जो है स्पेशली पूरा कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे हम वही जो मिल्क जो है शिशु को देते हैं। साथ में ऐसे भी हमारे पास कुछ पंप रहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप रहते हैं, जो कि मदर यहाँ पर नहीं आ सकती है, उसको हम ये पंप जो है प्रोवाइड कर देते हैं। इससे घर जाके जो आसानी से अपना जो है मिल्क कलेक्ट कर ले, स्टोर कर ले और फिर वो मिल्क जो है हॉस्पिटल में ला के छोड़ दे। इस एनआईसीयू में शिशु के इलाज के लिए सभी प्रकार के जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट की, जो लेटेस्ट उपकरणों की व्यवस्था उपलब्ध है, साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम शिशु को बेटर से बेटर केयर दे सकते हैं। एनआईसीयू का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एनआईसीयू की जो बैकबोन होती है, वो है एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बहुत ही अनुभवी नर्सेस काम करती हैं, जिनको काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड में काम कर रही है, और हर जोन के लिए जो है अलग अलग सिस्टर है। साथ में यहाँ पर जो है राउंड द क्लॉक रेसिडेंट डॉक्टर काम करते रहते हैं, जो बच्चों की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहती है। और इसके साथ ही मैं एज ए न्यूट्रोलॉजिस्ट जो है दिन भर एटलीस्ट 24 घंटे में 3 से 4 बार मेरा राउंड हो जाता है, मेरे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रहती है कि बच्चे का प्रोग्रेस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, जिससे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जल्दी डिटेक्ट भी हो जाते हैं। कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम किस पद्धति से शिशु का एनआईसीयू में इलाज करते हैं, शिशु के इलाज करते समय शिशु के प्रति और पेरेंट्स के प्रति हमारी क्या सोच रहती है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एनआईसीयू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जब भी कोई पेरेंट्स माता पिता को बोला जाता है उनको शिशु को एनआईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत है, तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में आ जाती है। सबसे पहले ये सोचते हैं कि मेरे शिशु जो है एनआईसीयू में अकेला कैसे रहेगा, कौन उसकी केयर रहेगा, कैसे उसको फीडिंग दी जाएगी। दूसरा उनके दिमाग में सवाल रहता है कि अगर मेरा शिशु एनआईसीयू में भर्ती तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तीसरा उनके दिमाग में सवाल रहता है
कि जो मुझे सर्विसेज मिल रही है अफोर्डेबल है, उचित दरों पर सर्विसेज मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण उनका ये सोचना रहता है कि शिशु डिस्चार्ज के बाद बिल्कुल घर में जाके नॉर्मल रहे और भविष्य में उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये हमेशा हर पेरेंट्स की यही सोच रहती है और हमारी भी यही सोच रहती है, और हम इस पद्धति से ही शिशु का एनआईसी में इलाज करते हैं। आइए मैं आपको अपनी अप्रोच के बारे में बताता हूँ कि हम क्या प्रोटोकॉल इस एनआईसी में फॉलो करते हैं उसके बाद। तो सबसे पहली जो हमारी अप्रोच होती है वो है नॉन इन्वेसिव अप्रोच, मतलब हम शिशु में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करते। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मतलब बॉडी के जब अंदर एंट्री होती है तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। जैसे हम शिशु की सांस की तकलीफ को ठीक करने के लिए हम जनरली नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मतलब एक सीपैप मशीन होती है जिसके भी नोज़ पे एक स्पेशल मास्क द्वारा नोज़ से ऑक्सीजन दी जाती है। इसमें हमें जो है शिशु के फेफड़े के अंदर ट्यूब नहीं डालनी पड़ती, तो जनरली हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। साथ में हम जो इन्वेसिव प्रोसीजर यह भी कम करते हैं, जैसे कि हमें सेंट्रल लाइन डालना जब ज़रूरत पड़ती तभी हम इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी बहुत कम होती है, इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है। दूसरा जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का वो है एग्रेसिव न्यूट्रिशन। हम शिशु को जल्दी से जल्दी पोषण देने की कोशिश करते हैं, जितने जल्दी हम शिशु को जो है फीड स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी फीड को प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि शिशु जल्दी से जल्दी जो है मिल्क में आ जाए, उसका वेट गेन स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होता है कि अगर शिशु जल्दी से जल्दी जो है दूध पीना चालू करे, दूध पर पहुँच जाए, तो शिशु को जो लगने वाली मेडिसिन जो है कम हो जाती है और इन्फेक्शन होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, और शिशु जो एनआईसी से जल्दी छुट्टी हो जाती है। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कि शिशु को जो है ब्रेस्ट मिल्क ही मिले, मतलब माँ का दूध ही मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं मदर को बुला के काउंसलिंग कराते हैं, उनको समझाते हैं कि मिल्क को कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, कैसे स्टोरेज करने का है, कैसे एनआईसी में ला के देने का जिससे हम शिशु को दूध पिला सके। तीसरा जो चौथा जो हमारी अप्रोच ये रहती है कि जब शिशु पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, बच्चा केवल फीडिंग पे उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, उसे किसी प्रकार की मशीनी लग रही है, तो मदर को एनआईसी में अलाउ करते हैं। इसे मदर आके शिशु को टच कर सकती है, देख सकती है, बातें कर सकती है, फीडिंग करा सकती है। इसे मदर बेबी के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है, इससे मदर का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। पाँचवा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कि डिस्चार्ज के समय जो है जो हमारा एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ है वो डिस्चार्ज के समय जो है मदर पेरेंट्स को जो है पूरा मदर एंड फादर को पूरा समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि घर में जाके बच्चे की कैसे केयर करने का है, कैसे फीडिंग कराने का है, क्या कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या उसमें डेंजर साइंस रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और डिस्चार्ज के पहले जो है डिस्चार्ज के पहले शिशु की पूरी जांच की जाती है, अगर आंखों की जांच और अन्य कोई जांच पेंडिंग है तो सब कर दी जाती है, उससे डिस्चार्ज के बाद जो है शिशु को प्रॉब्लम ना हो, इस बात पर ध्यान रखा जाता है। पिछले जो है 19 सालों में आशा अस्पताल के एनआईसीयू में तकरीबन 15,000 से अधिक नवजात शिशु का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसे बहुत सारे ऐसे शिशु थे जिनका वजन 1 किलो से कम था और बहुत ही जल्दी पैदा हो गए, वह भी इलाज के द्वारा एक बहुत से शिशु में इलाज के द्वारा एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और इतने सालों के जो है माता पिता और परिवार वालों का जो एनआईसीयू के प्रति आस्था और विश्वास है उसकी वजह से जो है आज आशा अस्पताल का एनआईसीयू जो है मोस्ट ट्रस्टेड, अफोर्डेबल और एक्सपीरियंस एनआईसीयू है।